गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपके वीडियो का विषय है क्रिया। आपकी पाठ्यपुस्तक व्याकरण संबोध कक्षा 5 पाठ 9 क्रिया नामक पाठ की विषय की जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले क्रिया क्या है? क्रिया का अर्थ है काम या कार्य। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है या उसका बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब कार्य, जैसे उठना, बैठना, खाना पीना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, नहाना धोना, चलना आदि जितने भी काम हैं ये सब क्रिया हैं। ना जिसमें लगा है मूल धातु के पीछे ना प्रत्यय लगाने से जो भी शब्द क्रिया में बदले वो सारी क्रिया कहलाती हैं। तो क्रिया जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चले या बोध हो या संकेत मिले उसे ही क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया, अब क्रिया में इसमें जो आपकी बुक में दिख रहा कुछ समय या कुछ काम हम करते हैं, कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। जैसे सूरज उदय हो रहा है तो जो सूरज उदय हो रहा है ये अपने आप हो जा रहा है। हवा का चलना ये अपने आप हो रहा है। तो यहाँ पर था, ये आपके उदाहरण में ये था, थी, ये और हैं, हाय हैं तथा होगा, होगी भी क्रिया शब्द होते हैं। तो जैसे इसमें आज रविवार है, कल शनिवार था, कल सोमवार होगा, तो यहाँ पर भी क्रिया पता चल रही है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, पहले ही बता चुकी हूँ। क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु है और धातु के पीछे जब ना प्रत्यय जुड़ता है तो धातु बदलकर क्रिया का रूप ले लेती है। जैसे खा, पी, सो, चल आदि धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ देने से यह खा में ना जोड़ दो खाना हो गया, पा में जोड़ दो पीना हो गया, अतः ये सारी जो है आपके क्रियाएं बन जाएगी ना प्रत्यय लगाने से, ये जो है क्रिया के समान रूप में आ जाते हैं इस प्रकार से। इसके आगे अब आपका है उदाहरण में जैसे खा धातु है ना प्रत्यय हो गया खाना, पी धातु ना प्रत्यय पीना सोना, तो इस प्रकार से ये क्रिया में चला गया। अब क्रिया के बिना वाक पूरा नहीं होता कोई भी, ये तो आपको भी पता है। क्रिया के बिना कोई वाक पूरा नहीं होता। लिंग तथा वचन कारक के परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। लिंग बदलने पर जैसे घोड़ा दौड़ता है घोड़ी दौड़ती है, तो दौड़ता है दौड़ती है हो गया लिंग। वचन लड़का पढ़ता है लड़के पढ़ते हैं, यहाँ भी वचन क्रिया का बदल रहा है। और कारक बदलने पर राहुल ने चम्मच से खाया, राहुल चम्मच से खा रहा है। तो यहाँ जो है ने हट गया, यहाँ कर्ता कारक है, यहाँ करण कारक हो गया। तो कारक के अनुसार, वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन होता है जैसे संज्ञा में होता है। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, यानी इस क्रिया में कर्म जुड़ा होता है। और जैसे उसका उदाहरण है यहाँ तनु ईमेल कर रही है, तो यहाँ ईमेल कर्म है। हाँ, रोबोट गाना गा रहा है, यहाँ गाना कर्म है। ये सकर्मक क्रियाएँ होती हैं, यानी जिन क्रियाओं में कर्म जुड़े होते हैं। अकर्मक क्रियाएं, सकर्मक का उदाहरण हमने बता दिया, जिस क्रिया में कर्म होगा सकर्मक। अकर्मक में जिसमें कर्म रहित, यानी जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा, अकर्मक अर्थात कर्म रहित। जैसे सरस नहा रहा है, तो नहा रहा है उसमें कर्म का पता नहीं है। अगर वहाँ होता सरस नल से नहा रहा है तो नल कर्म हो जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ नहा रहा। शिखा दौड़ रही है, दौड़ने में भी कर्म नहीं है, क्रिया है और कर्ता है। इसमें पहले सरस में भी कर्ता और क्रिया है। तो इस प्रकार से जिस क्रिया में कर्म होगा वो सकर्मक होगी,
इसमें कर्म नहीं होगा, वह अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया में जैसे वह पुस्तक पढ़ रही है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अकर्मक क्रिया में वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, उसमें पुस्तक नहीं है, यानी कर्म को हटा दिया गया, तो ये अकर्मक क्रिया में चली जाएंगी। तो ये आपके क्रिया के दो भेद हो जाते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से आपको किसी काम करने या होने का भाव पता हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक अकर्मक। और धातु के क्रिया का मूल रूप धातु होता है। धातु में ना प्रत्यय लगाने से वह धातु क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से इस वीडियो में आज बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।